मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं मैं बढ़िया हो गई और बढ़िया रहना चाहिए। और भैया आज सोमवार है, सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं गेर घर का काम कर आई थी। एक भी होंगी चून, राहुल का दूध गर्म कर दिया है, पता चाय बना कर दे दी है दोबारा, और मैं थोड़ा चून लेऊंगी। और भाई जो चैनल पर नए आ चैनल को कर दिया सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो कर दिया करो लाइक। और भाई अच्छा लग रहा है जब आप बताओ हो भी और भी अच्छी वीडियो बना करो, बहुत बढ़िया लग गया कि भाई कहीं ना कहीं कमी है और हम उसको इम्प्रूव जरूर करेंगे, उसमें भी बहुत और अच्छे बनाने की कोशिश करेंगे। भाई हमें इनसे अच्छा ही लगा है, जो सीखा मिल रहा है, जो कोई हमने ये कहा है कि आप में ये कमी है आप इसको अच्छा करो तो अच्छा लग गया। इसका मतलब आप हमारी वीडियो को ध्यान से देखो हो, बहुत बढ़िया लग गया है। अभी कमेंट करते रहा करो, बता करो वीडियो कैसी है, वीडियो को पूरा देखा करो। और भाई काल वर्षा था राम, आज इतनी ये धूप फिर निकल रही है न्यू, जबरदस्त आड़ी धूप निकल रही है, गर्मी उतनी है। मैं चून चाने भेज दूं पंखे जरा ज्यादा भेज दिया, रसोई में बहुत घनी गर्मी लग गई है। और भाई ये टाइम है सुबह का, अब मैंने करते बर्तन साफ करने के लिए टोकरा खाली कर रही हूँ, जो पहला मांज रखे थे उन्हें लगा वे उन्हें लगाऊ हूँ और फिर मैं ये बर्तन साफ करूँ, क्योंकि भाई सुबह सुबह बर्तन 2-3 बार हो जाए चाय के दूध दाद के। और इवरा स्कूल के लिए तैयार हो रहा था, चला गया था वो दूध पीकर, मैंने उसका दूध गर्म कर दिया था और अब मैं चून भी होंगी फिर भाई रोटी बनानी है। मैं सोच चलो पहले बर्तन साफ कर दूँ और फिर रोटी बनाऊँगी, क्योंकि इतने बर्तन नहीं चढ़ जाए हैं और फिर बाद में फिर हो जाएंगे रोटी राटिया के, तो इतनी एक खाली हो जाए। और सुबह सुबह भाई इतना काम हो जाए कि कहाँ से स्टार्ट करें, बर्तन रोटी झाड़ू पोछा, और 2-3 दिन हो गए ई मैं झाड़ू पोछा रोटी बनाए पाछा करूँ आराम से, पर रोटी झाड़ू पोछा करने लग जाऊँ मैं तो फिर रोटियाँ की दाव हो जाए, रोटी नहीं पूरी रोटी नहीं पूरी। और इसलिए पहला झाड़ू पोछा नहीं करती, पहला रोटी बनाऊँ बाद में करूँगी झाड़ू पोछा। और ये मैंने देखो पकड़ दिए हैं बर्तन साफ है, और फिर भी शाम में सब्जी बना रखी थी सब ने मना कर दिया, अभी सुबह बनानी थी चटनी, मेरी माँ ले रही थी खेत मतलब कचरी, और ये आलू भी उबाल रखे थे तो ये आलू छील लूँ। ये राहुल को था मेरे 2 परांठे बना दे और चटनी बनानी थी आलू की, तो मैं सोचा चलो चटनी बन जाएगी और उसके परांठे भी बना दूँ, पर वो खा कर नहीं गया, मेरी मम्मी लेट हो गया है क्योंकि पहला मेरा ध्यान रही ना, मैंने लेट उबलने दे रहे तो वो फिर बाद में दोपहर में बनाऊंगी उसके, स्कूल में डालेगा और जब खाऊगा। तो ये मैंने छील दिए हैं भैया आलू, और कुछ आलू चटनी बना दूंगी, कुछ मेरी माँ कचरी ले आओगी, बाद में मेरी माँ भी बना देगी कचरी आई चटनी। और ये देखो मैंने बात कर दी करती, मैं आलू छील दिए हैं और ये जो कुकर था ये भी मैंने साफ कर दिया है, मैं चढ़ जाएंगे इतने ये। और भाई अब मैं चून चान छानूंगी, बाहर मैं चली गई हूँ छिलके गिर। और भाई ये अब मैं ला गई हूँ चटनी बनाने, ये मिर्च गिर दी हैं, थोड़ा सा लहसुन सुन रखा था पहले का वो डाल दिया है, और ये भी मैं कूट दूँ। भाई आलू चटनी बनाऊँगी क्योंकि गर्म रोटियाँ के लिए आलू चटनी बढ़िया अलग है, और मेरी माँ फिर कसरिया की बनावेगी। तो ये देखो अब मैं बना रही हूँ चटनी। अभी सारी आने ना रोज लगातार लगातार सब्जी खाए, खाते खाते जी उब गया, इसमें मौसम है इसमें सब्जी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, तो आज चटनी। और ये देखो भाई आज बना रही हूँ मैं आलू की चटनी, ये कूट दी मैंने मिर्च लहसुन, ये सब्जी रोज रोज खाई नहीं जाती, शाम ने कट्टी थी बोर हो गई थी, कई दिन मैंने कड्डी बनाई थी, पर सुबह बोले भी लस्से के साथ ना चटनी हो जाए, तो मैंने 2-3 आलू उबाल दिए थे, कुछ राह उगा रहा था, अब मेरे परांठे बनाने हैं तो मैंने 2 आलू उसके भी एक्स्ट्रा उबाल दिए थे, और ये बना दूँ चटनी। ये देखो भी
चटनी बन का उभर रेडी बना दी है मैंने। आलू की चटनी, लस्सी है, और भैया टाइम हो जाना है, 3 महीने वाले हैं बच्चे पे दोपहर के। और मौसम देखो कैसा कैसा हो रहा है, मतलब बादल से हो गए हैं, हल्का की बारिश पास इतनी गर्मी नहीं है भैया जी। और आज कल भी मौसम थोड़ा बादल से हो गए हैं, जब फिर नहीं आऊँगा। और मारे हैं नलके यानी टूटी डिग्गी ही पानी आ रहा है, मैं मोटर चला कर रही हूँ इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ, क्योंकि भी कपड़े पास सोने नहीं है, ठंडी बर्गी बना रही हूँ। और वो सारे सोने लग रहे हैं, मेरी माँ सो रहा है, राउत सो रहा है, पापा नीचे सोना है, खुशी में सब पापा सो रहा है। चाय बनाई थी मैंने, पापा की चाय दिया ही हूँ, सोची चलो टंकी बच जाएगी, वो भी देखती हूँ चाय के साथ साथ। और देखो कंते दूध मिल रहा है, कंते दूध निकल आई मगर अरे अजी में भी सो रहा है, मानी जी में पता है एसी पे दूध मुझे ले लिया, इतने मजे ले लिया। अब टाइम हो गया, अभी 6:45 हो गए हैं और मैं घेर घेर का कर आई हूँ। और एक निकालू हूँ मैं झाड़ू, पहले कमरे में धक्का आई हूँ, इस कमरे में निकालू हूँ। और मेरी माँ देखा है प्रिंट टीवी, भजन सुना है, मैं आज बनाएंगे, आज भी करेले बनाऊंगी, आज बनाऊंगी करेले। मेरी मान काट रखे हैं, प्याज काटने रह रहे हैं, वे काटूंगी, प्याज रह रहे हैं काटने, टमाटर रह रहे हैं काटने, वे सब काटूंगी। और भाई राम ने मौसम तो ठंडा कर दिया था, मतलब घाम नहीं था पर गर्मी इतनी कर रहा है, बहुत जबरदस्त वाली गर्मी कर रहा है। और ये देखो आज मतलब मैंने लगाई है नेल पेंट, मैंने नेल्स बड़े बड़े बहुत बढ़िया लग गया पर टूट जाए हैं काम में। एक मैं पहला झाड़ू निकाल दूँ, फिर चाय के बर्तन पड़े हैं वे साफ करूँगी और फिर सब्जी की सोचूंगी। और ये देखो भी अब मैं बना रही हूँ करेले, पहला इन्हें तलूंगी फिर छोकूंगी बाद में। और ये अंब भी काट रखी है, उसमें हरी मिर्च, ये टमाटर कट कर रखे हैं और ये प्याज कट कर रखे हैं भाई, प्याज टमाटर अम्बी। ये अम्बी पीली इसलिए है क्योंकि कच्ची अम्बी लाए थे 4-5 दिन की तरी थी और वो ऐसी हो गई नरम। और ये यहाँ पर है करेले, थोड़े बनाने हैं भाई, एक बार के हो जाते हैं बस। और मैंने साफ साफ कर लिए बर्तन साफ, ये देखो अरे बहुत बना रहा है। और ये देखो मेरी जीवड़ी को, जीवड़ा देखो कैसे बैठी है, एंजॉय कर रही है। अरे ये उधर देखो मेरी माँ बेटी क्या कर आ जाऊँ, तुम तो जा सा आ जाए कभी पर गैस कैन हो जाऊँ तो मैं जाऊँ कर रही मैं। मेरे करेले बनकर हो गए हैं रेडी, सब्जी बनकर मेरी रेडी हो गई है। करेले बन गए हैं और भाई चून छाने है, चून भी होंगी, दूध दिया है और बर्तन मांज दिए हैं, वो देखो दूध रख रखा है, तो डेली चा बाल्टी वो सब मांज दिए हैं मैंने। अरे मैं बेहूंगी चून फिर जोत लगा पाऊंगी, गर्मी इतनी हो रही है देखो रसोई में तुम्हारी पसीने, देखो
इतने सारे पसीने आ रहे हैं गर्मी में, जी कुछ हो रहा है। और इसमें पंखा चलने लग गया है और फिर भी मेरा कहीं थोड़ा चुन गई लाइट नहीं आई है, और फिर थोड़ी देर बैठूंगे पंखे लगा क्योंकि दूध दाल गर्म होगा जब उसके बाद रोटी बनाऊंगी। और भाई आज का व्लॉग है बस इतना ही। जो चैनल पर नया हो चैनल को कर दिया करो सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो कर दिया करो लाइक, और वे वीडियो को पूरा देखा करो, आपका सपोर्ट ही सब कुछ है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपको कल नए व्लॉग में, नई वीडियो में।